दिल्ली की 10 कंपनीज 2 वीक्स में मैंने इस तरह कवर की हैं, सीवी जॉब करता जा रहा हूँ और वहाँ से अच्छे एक्सपेंसिव अच्छे ही रिप्लाई आता रहा फ्लाइट वे में, वो कहते रहे ठीक है जी हम आपको आपको डाटा का तो बहुत ज़्यादा काम है, एक सर्विस सिक्योरिटी का भी है लेकिन डाटा का मैं क्योंकि मैं अपनी फील्ड का आपको बताऊँ तो डाटा का बहुत ज़्यादा काम है, डाटा एनालिस्ट का, पावर बीआई का, टैबलो का और हॉल। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ठीक है उन्होंने डाटा एनालिस्ट स्टार्ट करना है, ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गई है लेकिन उनको मतलब कि वो वे नहीं मिलता कि यार वो किसी कंपनी में एंटर हो सके, वो वे कैसे मिला? अस्सलाम वालेकुम, मिर्ज़ा नेम एक बार फिर आपकी खिदमत में आ रही। तो यार बेसिकली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया था ठीक है कि भाई साहब कोई वीडियो बना दें डाटा एनालिस्ट से रिलेटेड। सो फाइनली मुझे मिल गए हैं। इमरान कैसे हो आप? तभी से ठीक है, तभी से ठीक है और ये मुझे पहले भी मिल चुके हुए हैं ठीक है और बहुत ही नाइस पर्सन है। और जब ये स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे तो मैंने क्योंकि ओबियसली मेरे सब्सक्राइबर उस वक्त कम थे तो मैंने इनको रिस्पॉन्स किया था ठीक है। और मज़े की बात इनकी ये थी कि यार ये बंदा फ़ौरन पहुँच गया था, मैंने इसको लोकेशन बताई, ये बंदा आया इन्फॉर्मेशन ली चला गया, उसके बाद भी मुझे पता ये किधर गया है ठीक है। लेकिन यह कि बाद में मैंने इसको क्योंकि लिंक्डइन में हम कनेक्शन में थे, मैं लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव रहता था उस वक्त, तो मैं इसको देखा, मैं कहा यार भाई पावर बी आई में डैशबोर्ड बना बना के अपलोड कर रहा है, मैं कहा बड़ा एग्रेसिवली काम चल रहा है क्योंकि मैंने इसको बताया था यार अगर शो ऑफ करना है ना अपने काम को लिंक्डइन से बेस्ट कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच यार इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपने और आपने इतना टाइम दिया, मैंने हेल्प कोई नहीं की इसकी ठीक है, ये ऐसे कह रहा है तो बस जो इन्फॉर्मेशन जो दी थी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने ऑब्वियसली शेयर कर दी थी ठीक है। तो स्टार्ट करो यार, आपका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन तो वाकन से ही, जहाँ से जहाँ की रिहाइश है पाकिस्तान में वाकन दावलपिंडी ठीक है। तो काम सेट वहाँ से ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से? काम सेट वहाँ से। अच्छा कौन कॉम सेट से? कांग्रेस अच्छी यूनिवर्सिटी है ना। तो काम सेट से मैं क्या आपके एक पहले भी से हाँ एक डाटा एनालिस्ट के साथ किया था तो वो जाके आप देख सकते हैं अगर देखना हाँ वो उसके बाद स्टार्ट कर दिया डाटा में काम क्योंकि भाई भी इसी में फील्ड में करता था पहले ठीक है। तो मैंने कहा डाटा की फील्ड करता हूँ, वैसे भी डैशबोर्ड रिपोर्ट वाला काम था, मैंने कहा चलो इसमें मैं कोडिंग से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहता था अपने आप को, तो मैंने कहा चलो कोडिंग से छोड़ के दे। यानी कि आपके भाई भी इसी फील्ड में एज अ डाटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? वो पहले पाकिस्तान में कर रहे थे, अब वो सऊदी में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किस कंपनी में हो? वहाँ साहब बैंक जो है। अच्छा बैंक में काम कर रहे हैं भाई साहब, तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बेहतरीन हो गया। यानी कि आपने कहा उनके नक्शे कदम पे चलते हैं ठीक है और देखते हैं क्या सीन है, उन्होंने भी कहा होगा भाई ये सीख ले बाकी रास्ते निकल आएंगे। हाँ, बिल्कुल ये तो ये। ग्रेजुएशन आपने कब की, किस ईयर में की? 2021 कंप्लीट होने के बाद आपने करियर जो स्टार्ट किया, वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस पाकिस्तान वो पाकिस्तान डायसन एनालिटिक्स किस नाम से कंपनी? डायसन एनालिटिक्स के नाम ठीक है, डायसन एनालिटिक्स एनालिटिक्स ठीक है। तो वहाँ पे था कि दो साल उसी कंपनी में लगाए थे, डाटा में पावर बी आई डैशबोर्ड रिपोर्ट्स एसक्यूएल एसक्यूएल एक्सेल और ये सारा काम हो। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ठीक है उन्होंने डाटा एनालिस्ट स्टार्ट करना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है लेकिन उनको मतलब कि वो वे नहीं मिलता कि यार वो किसी कंपनी में एंटर हो सके, वो वे कैसे मिला? वो थोड़ा रेफरेंस स्टार्टिंग यहाँ का पूछे वहाँ नहीं वहाँ का पाकिस्तान का, वहाँ पे रेफरेंस भी चलता है लेकिन मोस्टली ये है कि अगर कोई कंपनी आपको हायर कर रही है फ्रेशर का तो वो एज अ अटर्नी हायर करती है। सही है, कई कुछ तो 6-6 महीने तक भी ले जाती है। सही, तो क्या सैलरी पैकेज मिल रहा था स्टार्टिंग में? वो स्टार्टिंग में 30 था, 30 के 40 के 30 टू 40 ठीक है, बेहतरीन हो गया। वहाँ पे कितना एक्सपीरियंस रहा फिर आपका? वहाँ पे तो तकरीबन 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस। अच्छा वहाँ पे 2 साल आपने काम किया है, यानी कि भाई ने कहा है भाई तैयारी वहीं से करके आनी है, यहाँ पे कोई सीन नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया, करियर स्टार्ट हो गया एज अ डाटा एनालिस्ट। फिर आप यहाँ पे मूव हो गए, यहाँ पे किस वीजा पे आए आप? यहाँ पे आजाद वीजा पे। जो आजाद वीजा कौन सा होता है? वर्क वीजा। वर्क वीजा हाँ, ये वर्क वीजा मतलब ये लेबर का वीजा होता है या क्या सीन? लेबर का ही होता है मोस्टली। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने स्पेशल प्रोफेशन का लेना है, मतलब मैं आईटी के कोई प्रोफेशन चूज करके आजाद वीजा पे आऊंगा तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ठीक है। कितने पैसे लगे होंगे अप्रोक्सीमेटली? वो तकरीबन 5-7 लाख तकरीबन लगे। 5-7 लाख में आप यहाँ पहुंचे, टिकट वगैरह इंक्लूड थे कि? हाँ, सारा इंक्लूड करके सब कुछ ठीक है, बेहतरीन। कितने माह का था तकरीबन? 3 मंथ। 3 मंथ का टारगेट था ठीक है, और मेरा ख्याल 20 दिन के बाद आप मेरे पास थे। हाँ ऐसे ठीक है, सही है। शुरू में बड़ा बंदा टेंशन होती है कि यार टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। हाँ वो तो एक एंजाइटी क्रिएट हो रही होती है यार, ये बड़ा मसला होने वाला है। ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या अप्रोच रही है आपकी, मतलब जॉब फाइंड करने की अप्रोच क्या है? बस जो जितने भी सऊदी में, मतलब हर कंट्री के हिसाब से होता है, जितने भी प्लेटफॉर्म है जॉब्स के उन पे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई थी, एक्टिव रहा था, लेकिन मोस्टली जो मैं लिंक्डइन पे इंडीड पे इन पे ही काम किया था, बाकी जो है
कंपनी की वेबसाइट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको कंपनी का पता होगा तो आप वेबसाइट विजिट करोगे, लेकिन मोस्टली ये एक लिंक्डइन। अच्छा, लिंक्डइन पे भाई बहुत ज्यादा एक्टिव थे। कितने डैशबोर्ड आपने बना के अपलोड किए होते, शो कर रहे थे? 20-25 डैशबोर्ड बना के अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे थे वहाँ के क्या रिस्पांस आ रहा था, कोई आ भी रहा था, कोई कंपनी कॉल भी कर रही थी कि नहीं, क्या सीन था? अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो मोस्टली आपको रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि उसकी यही वजह होती है कि वो विद इन 1 आवर 2 आवर जो 100 से ज्यादा जो एप्लीकेंट्स अप्लाई कर देते हैं और एचआर रिस्पॉन्स नहीं करते। अभी मैं अपनी कंपनी में हूँ तो मैंने देखा है कि एचआर ने जॉब अप्लाई किया उसके बाद वो देख भी नहीं रहा। जॉब अपॉर्चुनिटी देखी थी ऑनलाइन तो मैं उसके लिए बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जो फर्स्ट 2 वीक्स जब मैं अप्लाई कर रहा था कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, भाई को भाई जाना मेरे से पूछता था कोई रिस्पॉन्स है, मैं कह नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर मैंने अच्छा भाई के माइंड में ये होगा कि ये बंदा काम नहीं कर रहा, मतलब अप्लाई नहीं कर रहा होगा। फिर मैंने जितने भी थे पाकिस्तानी जो इधर थे जो आईटी कंपनी में, एक साइबर सिक्योरिटी वाले भाई हैं, एक आपसे भी मैं पूछा था तो यही था कि आपके मैंने इंटरव्यू देखे जितने भी आपके यूट्यूब इंटरव्यू पड़े उनमें एक दो बंदे ने ये कहा था कि आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई ना करो, आप कंपनीज को विजिट भी करो, ठीक है। फिर मैंने कंपनी को विजिट करना स्टार्ट किया, लेकिन वो थोड़ा स्टूडेंट बड़ा एक्टिव लगता है कि यार इतने पैसे भी लग रहे हैं आने जाने में, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको ये सर्विस है ट्रांसपोर्ट ये एक्सपेंसिव है। सही, तो वो डेली तकरीबन डेली की 10 कंपनीज 2 वीक्स में मैंने इस तरह कवर की हैं, सिर्फ जॉब करता जा रहा हूँ और वहाँ से अच्छा एक्सपेंसिव अच्छा ही रिप्लाई आता रहा फ्लाइट वे में, वो कहते रहे ठीक है जी हम आपको माफ करें, कोई भी ऐसा नहीं था कि रूट यार आपको आगे आपको किस तरह बुलाया ऐसा। हाँ कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि आपको इंटरव्यू नहीं होने देते क्योंकि आगे वो बैठे होते हैं, वो एक पॉलिटिक्स चल रही होती है कंपनी में, वो नहीं मतलब ये भी है। और कुछ उन्होंने कहा होता है गार्ड को कोई सीवी लेके आए तो सेंटर ना उसे बस, मैंने कुछ कंपनी में देखा भी है कि उन्होंने सामने क्यूआर कोड लगाया हुआ है या फिर ईमेल लिखी हुई है कि जी इस पे अप्लाई करो अंदर नहीं आ पा सकते, ऐसा सीन भी। ठीक है, बेहतरीन, यानी कि एक एक्सपीरियंस आपका रहा कि आपको मोटिवेशन मिलती रही है, मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहा हूं। हां ऐसे ही, ठीक है, बेहतरीन हो गया। तो लिंक्डइन की तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स आना किस तरह से, मतलब कि आपको जॉब मिली ये बताएं आप। लिंक्डइन पे एक कंपनी को मैंने अप्लाई किया और मैं वहां पहुंच गया तो वो उन्होंने उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आने के बाद वैसे पहुंच गया, नहीं वैसे मैं पहुंच गया था तो वो कहते हैं हाँ उन्होंने मेरी सीवी देखी पोर्टफोलियो विजिट किया, उन्होंने कहा हमें बंदा चाहिए, लेकिन वो जो एचआर थी वो कह रही थी कि हम आपको नेक्स्ट वीक अपडेट करेंगे क्योंकि हमारी जो लीड है वो अभी आईटी का एक इवेंट है लीव इवेंट, ठीक है वो वहाँ पे गए हुए तो वो नेक्स्ट वीक हम आपको अपडेट करेंगे। मैं नेक्स्ट वीक दोबारा गया, उन्होंने कोई नहीं अपडेट क्यों करें अभी आपको अपडेट नहीं कर सकते फिर अपडेट करेंगे, उन्होंने मतलब रिफ्यूज नहीं किया लेकिन लटका के मतलब कि कर देंगे आपको। फिर नेक्स्ट वीक मैंने उतनी देर में एक और कंपनी से खुद ही इनबॉक्स में आ गया था, आपको मैसेज आया था आप हमारी कंपनी विजिट करें, हमने आपकी प्रोफाइल विजिट की, आप इस ईमेल पे अपनी सीवी। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट थिंग मुझे इसकी ये लगी है कि यार इस बंदे ने पूरा पोर्टफोलियो बनाया हुआ था। हाँ, ऐसे ये बात, पोर्टफोलियो वेबसाइट आपने कंप्लीट बनाई हुई है तो वो जाके उन्होंने पोर्टफोलियो वेबसाइट देखी होगी, ऑब्वियसली इनका काम देखा होगा लिंक्डइन में जो उन्होंने शेयर किया हुआ है, तो वो एक प्लस पॉइंट बन गया इनके लिए और एचआर ने आपको अप्रोच किया और आप वहां पे पहुंच गए। वो पोर्टफोलियो के लिए आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत भी नहीं है, टैबलो तो आपको खुद प्रोवाइड करता है फ्री, आप अपलोड करते जाओ उसका लिंक आप शेयर कर दो कहीं पे भी, और इसी तरह पावर बीआई का भी आपको ढूंढोगे आपको मिल जाएगा कैसे पावर बीआई का भी पोर्टफोलियो जो ऑनलाइन बनाना है जिसका लिंक शेयर हो सकता है। ठीक है, आप कंपनी में चले गए जिसने आपको अप्रोच किया, इंटरव्यू क्या था उसमें? उससे पहले मैं एक प्लस पॉइंट बता दूंगा, मैंने अपने जो पोर्टफोलियो का लिंक है वो सीवी में ऐड किया था ताकि कोई मेरे सीवी देखे तो डायरेक्ट मेरे पोर्टफोलियो पहुंच जाए। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, बाकी जो आपने क्वेश्चन पूछा वो ये था कि मैंने अब सीवी सेंड कर दिया, उन्होंने कहा कि हमें आपका इंटरव्यू करना है तो आप आ सकते हो, मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं मैं विजिट कर लूँ, तो अगले दिन का टाइम फिक्स हो गया था, बल्कि अगले दिन क्या 9 बजे मैंने सेंड किया था सीवी, उन्होंने कहा कि अभी विजिट कर सकते हो, तो मैंने क्या मैंने देखा कितना दूर है, उन्होंने मुझे लोकेशन सेंड की थी 25-30 किलोमीटर थी घर से दूर और वो आपके यहाँ की ट्रैफिक का आपको पता ही घंटा लग जाता है, मैंने कहा ठीक है 30-45 मिनट लगेंगे, 12 बजे मैं पहुंच गया था उनके पास। अच्छा, उसी दिन आप पहुंचे? उसी दिन 2-3 घंटे के अंदर सारा कुछ हुआ। एक थोड़ा वो ढीला बंद हो गया, स्पेशल कॉल अगर कोई करे भी ना कि उन्होंने पता क्या कहना, उन्होंने कहना नेक्स्ट डे पे रख लें आप मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो बंदा कहता है कि ड्यूटी मेरे हाथ से चली जाए कि कोई और भी ना पहुंचे। हाँ, exactly तो आप पहुंच गए, इंटरव्यू क्या था? इंटरव्यू में यही था कि उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन बंदे का और उसके बाद उन्होंने पोर्टफोलियो विजिट देखा, उन्होंने कहा आपने ये चीज कैसे बनाई है और फिर अगर हम आपको डाटा प्रोवाइड करें तो आप टास्क कर सकते हो नहीं कर सकते, कितना टाइम लगेगा, उन्होंने मुझे डाटा प्रोवाइड किया, उन्होंने कहा कि आप चले जाओ टास्क करके हमें दे दो हम देख लेंगे इसको, तो अगर तो हमें हुआ तो हम आपको सेलेक्ट कर लेंगे। बेहतरीन, तो टास्क उन्होंने मुझे सेंड कर दिए जो एक्सेल की
फाइल सेंड कर दी कि आप इस पे हमें पावर बी आई की डैशबोर्ड बना के दे दो, तो वो मैंने बना लिया। लेकिन मसला ये था कि इनकी जिस कंपनी में मैं था उसमें डाटा की और कोई बंदा नहीं था, ठीक तो है। फर्स्ट मैच था, मैंने कहा क्यों ना ये अच्छा हो गया, मैं खुद जाऊँ और जाके एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू दिया था उस टाइम भी इन्होंने मेरे पोर्टफोलियो जो है वो एक बड़ी स्क्रीन पे ओपन कर लिया था, वहाँ पे अच्छा वो सारा एक्सप्लेन कर रहा था मैं भी, और वो भी मेरे से पूछ रहे। मैंने कहा इसी तरह क्यों ना मैं वो वाला डैशबोर्ड जो इनकी कंपनी के रिलेटेड डाटा है वो भी इस तरह एक्सप्लेन करूँ, तो ये ज़रा जो है इम्पैक्टफुल होगा। ठीक है, तो बेहतरीन। वो पहले तो मैंने वो कहते हैं आप शेयर कर दो कोई मसला नहीं, मैंने कहा नहीं इससे ये ज़रा अच्छा होगा कि मैं आके करूँगा, कोई मसला ठीक है बात। इस टाइम मैं उसी दिन अगले दिन जो है 11-12 बजे दिन को चला गया और जाके मैंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा ठीक है जी आप हमें आपका काम पसंद आया आप स्टार्ट करो कल से अपना प्रोबेशन पीरियड 3 मंथ्स की, ये सारी जर्नी बेहतरीन है। तो मतलब कि सैलरी की क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं यार? सैलरी की जो है एज अ स्टार्ट अगर आप बहुत कम भी कहते हो मतलब कोई न्यू कंपनी है तो वो भी आपको 4K अबव ही होगी, बाकी 4K to 10K यही रेंज है। अगर बहुत भी अच्छी कंपनी है स्टार्टिंग में आपको 8K, 9K, 10K मिल जाएगी, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी फील्ड पे। ठीक है, VN क्या नजर आता है डाटा से रिलेटेड, किस किस चीज में आपको लगा कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है? डाटा का तो बहुत ज्यादा काम है, एक सर्विस सिक्योरिटी का भी है, लेकिन डाटा का मैं क्योंकि मैं अपनी फील्ड का आपको बताऊँ तो डाटा का बहुत ज्यादा काम है, डाटा एनालिस्ट का, पावर बी आई का, टेबलो का, और हॉल जिसमें सब कुछ आता है। इतना काम है तो फिर अपॉर्चुनिटीज की नहीं मिल रही, वो तो फिर एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा। अच्छा, कंपटीशन काफी आपको लगा है कि बहुत ज्यादा है, बाकी रेफरेंस भी बहुत ज्यादा चल जाता है। अब कुछ कंपनी में अगर पहले कोई बंदा काम कर रहा है और जब उसे पता चलता है कि यार मेरी कंपनी की बंदे की जरूरत है तो मोस्टली वो यही होता है कि वो बंदा रेफर कर देता है किसी को, तो कंपनी भी उसे जरा एक ट्रस्टवर्थी बंदा है तो उसके यार ये आपके थ्रू आया है और हमें मसला नहीं होगा, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा ये सब कुछ, क्योंकि हर चीज पेड होती है, यहाँ तक कि लिंक्डइन की जो ये कंपनीज जो बाय करती है प्रीमियम मेंबरशिप ये भी पेड होती है, तो वो इस सारे चीजों से बचने के लिए, टाइम से बचने के लिए उस बंदे को ज्यादा प्रेफरेंस देती है जो किसी की रेफरेंस पे। ठीक है, लिविंग एक्सपेंसेस का क्या सीन है यहाँ? लिविंग एक्सपेंसेस का सीन जो है वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, लेकिन अगर कोई अच्छा और क्लीन एरिया मतलब यूं समझ लें उसमें बहुत सारे आ जाते हैं, वो यूं समझ लें 1500 to 2000 जो है वो पर रूम है। ठीक है, सर्टिफिकेशंस का क्या आपको लगता है कि प्लस पॉइंट है? सर्टिफिकेशन का यही है कि जितनी ज्यादा हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, लेकिन लिंक्डइन पे पहले तो फ्री पोस्ट मिल जाती है, प्रीमियम पे मिल जाती है फ्री का मुझे नहीं पता, प्रीमियम वर्जन पे तो वो आप करते जाओ एक दो मंथ, तो वैसे भी आप सिर्फ कोई भी कार्ड अटैच करो तो आप फ्री उसका प्रीमियम यूज कर सकते हैं। वो मैं स्टार्टिंग मैंने खुद 30 डेज के लिए जो प्रीमियम भी फ्री था तो उसमें जॉब होगी थी तो वो कोई मसला नहीं, बाकी वैसे भी वो जो है मेरे ख्याल से इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है उनकी वन मंथ मेंबरशिप जितनी भी होती है। ठीक है, बेहतरीन। कोई प्रो एंड कॉन्स जो आपको नजर लगे हो कि नुकसान सऊदी आने के या नहीं? नुकसान तो कोई नहीं, फायदे ही जो आजकल पाकिस्तान का चल रहा है। अच्छा, बाकी ये है कि जितनी ज्यादा आप सर्टिफिकेशन करोगे और सिर्फ आप इस पर डिपेंड रहोगे, यार मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ और मुझे रिप्लाई भी आ रहा है लेकिन मुझे फिर बुलाते नहीं है, वो बेशक कह देते हैं कि हम आपको बुलाएंगे या हम आपको अपडेट करेंगे लेकिन अपडेट नहीं करते, तो आपको टाइम ज़ाया होता जा रहा है। तो आप ऐसे करो कि आप जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ पे आपको एक कंपनी वहाँ पे आपको 10 कंपनी मिल जाएंगी, आपको सीवी ड्रॉप करो तो मे बी क्या पता आपको जहाँ पे लिखा होगा आप वहाँ पहुँच रहे हो तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। बेहतरीन। तो अभी करेंटली आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है यहाँ सऊदी अरेबिया में जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं? अभी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है, अब 5th मंथ स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, शुक्र है। 3 मंथ आपका प्रोबेशन पीरियड था तो आप ये फर्दर पक्का काम हो गया। ठीक है, सो यार थैंक यू सो मच, आई होप सो यू रियली लाइक दिस वीडियो और ऑब्वियसली थम्स अप। ठीक है, इसको आपने काफी लाइक करना, ऑब्वियसली एक मोटिवेशन मिलती है कोई भी अगर मैं वीडियो बनाता हूँ। नहीं, आपकी बड़ी मेहनत है, आप साथ साथ ये जॉब कर रहे हैं, हम जॉब करते हैं, हम आके यार थक गए बस, आपको काम आपका हर 2-3 दिन बाद देखने व्लॉग आ रहा था, आपकी बड़ी मेहनत है। ठीक है यार, हाँ ऑब्वियसली मेहनत तो लगती है लेकिन ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार इमरान, बस ये जो जो मेहनत की कदर वही पाते हैं ना जो फिर आगे रिजल्ट देने को मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।